कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे वाइट हांडी। ठीक है, वाइट हांडी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने ये 1 kg चिकन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज का हमने थोड़ा सा पेस्ट बनाया और सबस मिर्चों का पेस्ट है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 प्याली घी डालनी है। घी हमारा जो है वो गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन डालेंगे फ्राई करने के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 10 से 15 मिनट। चिकन जो है हमारा फ्राई हो गया, लाइट ब्राउन हमने करना था जो कि डन हो गया। अब हम इसको घी में से निकाल लेंगे। घी हमने जो है हाफ इसमें से निकाल दिया। अब हमने थोड़ा सा जो है इसमें घी रहने दिया जो कि हमें हड्डियों के लिए जितनी जरूरत है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको जो है हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट से। अदरक लहसुन जो है हमारा ब्राउन हो गया, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला अब हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें प्याज का जो हमने थोड़ा सा मिक्सचर बनाया था ग्राइंड करके, अब हम वो डालेंगे। प्याज को जो है हमने इस मिक्सचर में प्याज अदरक लहसुन वाले पेस्ट में हमने प्याज ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाया था हमने वो ऐड कर देंगे। अब हम जो है इसमें गोश्त जो हमने फ्राई किया था वो हम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने मिर्चों का पेस्ट बनाया था अब हम इसको हाफ इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो है नमक और हल्दी जो है वो दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो है वो दही ऐड करेंगे 1 प्याली। अब हम इसको इसमें हमने दही ऐड कर दिया। अब हम गोश्त तलने के लिए इसको थोड़ा सा जो है 5 से 10 मिनट तक जो है वो इसको दम पे रखेंगे और ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से भून गया। अब हम जो है इसमें क्रीम ऐड करेंगे। हमने इसमें मलाई ऐड कर दी है, क्रीम ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने क्रीम ऐड किया और अब हमने इसको मिक्स किया। देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। वाइट फॉर्मा जो होता है ना एक्चुअल में जो रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है उसका एक्चुअली यही कलर होता है, प्योर वाइट कलर नहीं होता। अब हम इसको जो है दम पे रखने लगे हैं। 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो ले जी हमारा मज़ेदार सा जो वाइट कौरमा था, वाइट ट्राई हमने बनाई है, वाइट हांडी भी आप इसको बोल सकते हैं, वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो गार्निश करेंगे लेमन के साथ और धनिए के साथ और हम इसको सर्व करेंगे। तो लें जी हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो हमारा वाइट कौरमा है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो को देख सकें और उसको ट्राई कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।